हेलो वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब फ्रेंड्स अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपना गूगल पे का अकाउंट बना सकते हैं और फ्रेंड्स आप उसमें किस तरह से अपना बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं। तो सभी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा फ्रेंड्स। तो सबसे पहले गूगल पे डाउनलोड करने के लिए फ्रेंड्स, आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है वहाँ पर आप सिंपली क्लिक करके आप वो ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो को अब। तो फ्रेंड्स, डाउनलोड करने के बाद आपका कुछ गूगल पे का ऐसा इंटरफेस आएगा। तो सिंपली आप इस पर क्लिक करके आप इसे ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद फ्रेंड्स थोड़ा सा लोडिंग होगा फ्रेंड्स, और उसके बाद खुल जाएगा आपका गूगल पे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको सिंपली अपना यहाँ पर जो भी आपका बैंक अकाउंट में नंबर दिया हुआ है वो आप अपने यहाँ पर फिल कीजिएगा और सिंपली आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं आप यहाँ पे ऐसा इंटरफेस आ जाएगा खुल के आपके सामने। तो सिंपली फ्रेंड्स आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करने के बाद फ्रेंड्स आपने जो नंबर अभी डाला है उस नंबर पर आपको एक OTP आएगा। तो वही OTP को आपको यहाँ पर डालना है, और अगर फ्रेंड्स आपका फ़ोन में वही वाला OTP है तो वो ऑटोमेटिक ले लेगा। तो चलिए फ्रेंड देखिए, मेरा यहाँ पर OTP ले चुका है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं अब ये लोडिंग हो रहा है। अब इसके नेक्स्ट पेज पे मैं आपको दिखाता हूँ। तो नेक्स्ट पेज पे फ्रेंड्स आपको इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, आप यहाँ पे यूज योर स्क्रीन लॉक भी आप चूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे आपको पैटर्न डालना होगा और यहाँ पे आप क्रिएट गूगल पिन, तो यहाँ पे आपको 4 डिजिट का गूगल पिन डालना पड़ता है। तो आप जो अच्छा लगे फ्रेंड्स आप वो कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे क्रिएट ए गूगल पिन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप जो भी अपना गूगल पिन यहाँ पे आप डालिएगा उसे हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड्स। वो आपसे हर टाइम मांगेगा वो गूगल पिन जब भी आप ओपन कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मैं अपना यहाँ पे पिन डाल देता हूँ। पिन डालने के बाद फ्रेंड्स आपको फिर से वही आपको री इंटर पिन करने के लिए बोलेगा। तो फिर से आपको फ्रेंड्स वही पिन आपको डाल देना है। गूगल पिन डालने के बाद फ्रेंड्स आपको उसके बाद फ्रेंड्स आपको इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे सिंपली आप यहाँ पे यस टर्न ऑन पे आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। तो यस टर्न ऑन पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा गूगल पे यहाँ स्टार्ट हो चुका है और यहाँ न्यू पेमेंट दिखा रहा है। तो फ्रेंड्स आपको वहाँ से कहीं भी क्लिक करके आपको हटा देना है वो। तो फ्रेंड्स बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए आपको सिंपली फ्रेंड नीचे स्क्रॉल करना है और आपको वहाँ एक सेंड मनी का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स, उस पर आपको क्लिक करना है। सेंड मनी पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हैं आपको इतने सारे यहाँ बैंक के ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो आप यहाँ फ्रेंड्स आपका जो भी बैंक अकाउंट है आप यहाँ पे इजीली उसे ढूंढ सकते हैं। तो फ्रेंड्स मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, तो सिंपली मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। तो फ्रेंड्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लिक करने के बाद आपको अलाउ जो करेगा परमिशन कर दीजिएगा, और यहाँ से अपना फ़ोन नंबर चेक कर लीजिएगा वही फ़ोन नंबर है कि नहीं, और यहाँ पर आप सिंपली कंटिन्यू पर यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको SMS यहाँ अलाउ कर देना है। और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं आपका जो है फ़ोन नंबर वो वेरीफाई होना स्टार्ट हो चुका है। तो कुछ देर के बाद फ्रेंड्स ये आपका फ़ोन नंबर वेरीफाई हो जाएगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स फ़ोन नंबर वेरीफाई होने के बाद मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का यहाँ पे अकाउंट दिखा रहा है। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, नीचे स्टार्ट बटन पे आपको क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे आपका ATM कार्ड डिटेल्स मांग रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट आपने ATM कार्ड का फ्रेंड्स लास्ट का 6 डिजिट आपको यहाँ पे डालना है, और फ्रेंड्स आपको वहाँ पे एक्सपायरी डेट आपको डालना है। तो ये दोनों चीज़ आपका फ्रेंड्स ATM जो कार्ड मिला है आपको उसमें आपका ये लिखा होता है। तो आप यहाँ पे सिंपली यहाँ पे डाल दीजिएगा। डाल देने के बाद फ्रेंड्स मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं आपको यहाँ क्रिएट UPI पिन बोल रहा है, तो आपको सिंपली यहाँ क्रिएट पिन पर आपको क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स इतना करने के बाद फ्रेंड्स आपको एक आपके नंबर पे फ्रेंड्स 6 डिजिट का आपको एक OTP आएगा। तो सिंपली आपको OTP यहाँ पे आपको डाल देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स OTP मेरा आ गया था फ़ोन नंबर पे, तो मैंने यहाँ पे OTP डाल दिया है। और मैं OTP डाल के आपको नीचे में यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं आपको बोल रहा है सेट 6 डिजिट UPI पिन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको 6 डिजिट का अपना UPI पिन डालना है कोई भी। और फ्रेंड्स आप यहाँ पे जो भी पिन डालिएगा उसे आप याद रखिएगा, क्योंकि आप जब भी पेमेंट किसी को करेंगे तो आपको UPI पिन आपको हमेशा मांगेगा। तो आप चलिए फ्रेंड्स इस आप जो भी यहाँ पे डालिएगा उसको लिख लीजिएगा कहीं अच्छे से, ताकि आप हमेशा याद रहें। आपको मैं यहाँ पर सिंपली डाल देता हूँ। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर 6 डिजिट का UPI पिन अपना डाल दिया है। तो फ्रेंड्स आप भी इसी तरह डाल दीजिएगा और हमेशा उसे याद रखिएगा। और फ्रेंड्स सिंपली आपको यहाँ पे नीचे पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको फिर से वही आपको कंफर्म करने बोल रहा है, तो आप फिर से वही डालिएगा जो आपने अभी डाला था। फिर से फ्रेंड्स UPI पिन आपको डालने के बाद यहाँ पे सिंपली
भी ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे अपना 4 डिजिट का अपना गूगल पिन डालना है जो आपने डाला था। फ्रेंड्स मैं आप वही गूगल पिन अपना यहाँ पे डाल देता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे डाल दिया है और आपको देख सकते हैं यहाँ पे खुल गया है। यहाँ पे आपको सिंपली एक्सेप्ट पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। एक्सेप्ट पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा बैंक अकाउंट यहाँ पे लिंक हो चुका है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब आप किसी को भी आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे न्यू पेमेंट करूँगा, यहाँ पे आपको गॉट इट पे कर देना है और यहाँ से आप किसी को भी यहाँ पे जितने भी परमिशंस मांगेंगे वो आपको अलाउ कर देना है। और फ्रेंड्स आप यहाँ से किसी को भी आप इजिली पैसे भेज सकते हैं। तो फ्रेंड्स बस आप इतना कीजिएगा तो आपका गूगल पे बन जाएगा और फ्रेंड्स आपका जो बैंक अकाउंट है वो भी आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और अगर फ्रेंड्स अगर आप किसी को बिजनेस या बिल्स अगर पे करना चाहते हैं उसके अकाउंट में तो आप वहाँ से क्लिक करके आप उसका नंबर डाल के वहाँ से सिंपली उसके बिजनेस अकाउंट में आप पे कर सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे अकाउंट बैलेंस आप यहाँ पे इजीली अपना पिन नंबर डाल के चेक कर सकते हैं और ऊपर में शो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री जो दिख रहा है फ्रेंड्स वहाँ से आप जिसको भी पैसे भेजते हैं आप वहाँ से वो देख सकते हैं इजीली उस पर क्लिक करके। तो फ्रेंड्स बस आपको इतना ही करना था और आपका गूगल पे बन जाएगा और आप इजीली ट्रांजेक्शन किसी के पास भी कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स बस आज के वीडियो में बस इतना ही और इसी तरह की वीडियोस के लिए फ्रेंड्स आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे चैनल की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। ओके फ्रेंड्स थैंक यू।